जहानाबाद नगर परिषद कार्यालय में सामान्य बोर्ड की बैठक में जमकर मचा बवाल। वार्ड पार्षदों के एक गुट ने मचाया हंगामा, बैठक में कुर्सियां फेंकी। बैठक का बहिष्कार कर नगर परिषद कार्यालय के मेन गेट पर दिया धरना। विकास फंड के वितरण में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के द्वारा मनमानी किए जाने का विशुद्ध पार्षदों ने लगाया आरोप। वाइस चेयरमैन ने कहा, बेवजह मामले को तूल देकर मचाया गया हंगामा। गणित विषय का प्रश्न पत्र लीक रहने की बात साबित हुई गलत। डीएम ने कहा, प्रश्न पत्र आउट रहने की बात महज अफवाह। जहानाबाद के परीक्षा केंद्रों का डीएम ने लिया जायजा। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा होने पर जताया संतोष। सामानालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में संपन्न हुई धान अधिप्राप्ति की समीक्षात्मक बैठक। डीएम ने धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने और किसानों को भुगतान में कठिनाई नहीं होने का दिया सख्त निर्देश। दो क्रय केंद्रों के प्रभारियों पर उदासीनता बरतने के आरोप में कार्रवाई करने का दिया निर्देश। पीसी और पीएनडीटी एक्ट विषय पर जहानाबाद में कार्यशाला का हुआ आयोजन। भ्रूण हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने के संबंध में दी गई जानकारी। जहानाबाद नगर परिषद कार्यालय में हो रही सामान्य बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा मचा। हंगामा मचाया वार्ड पार्षदों के एक गुट ने। इसका कारण था नगर परिषद के सभी 33 वार्डों के विकास के लिए आई राशि का बराबर वितरण नहीं करना। विरोध करने वाले वार्ड पार्षदों का कहना है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन विकास मद के लिए आई राशि के वितरण में मनमानी कर रहे हैं। राशि उन्हीं वार्डों में दी जा रही है जिस वार्ड के पार्षद ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव के दौरान उनका समर्थन किया था। विरोधी खेमे के वार्ड पार्षदों के वार्ड के विकास के लिए फंड नहीं दिए जाने से गुस्साए वार्ड पार्षदों ने योजनाओं की लिस्ट देखते ही बैठक में जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की मनमानी नहीं चलेगी के नारे बैठक में गूंजने लगे। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान विक्षुब्ध पार्षदों ने कुर्सियां उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। कुर्सी फेंके जाने से कुछ पार्षदों को चोट भी लगी। इसके बाद विक्षुब्ध वार्ड पार्षद बैठक का बहिष्कार कर सभा कक्ष से निकल गए और नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठ गए। धरना पर बैठे पार्षदों ने कहा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के गलत रवैये से कई वार्डों की जनता का अधिकार छीना जा रहा है। उन्हीं वार्डों में पैसा देने की साजिश की गई है जो चेयरमैन के चहेते हैं। विक्षुब्ध पार्षदों ने इसके खिलाफ लगातार संघर्ष करने का ऐलान किया है और कहा है कि फंड के वितरण में भेदभाव बरता जाएगा तब तक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों तक मामले को ले जाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो मामले को कोर्ट में भी ले जाया जाएगा। इधर वाइस चेयरमैन ने कहा कि कुछ वार्ड पार्षदों ने बेवजह मामले को तूल दिया और हंगामा मचाया। चंदन मिश्रा आजकल के लिए। चेयरमैन और उपाध्यक्ष नगर परिषद के द्वारा लगातार मनमानी किया जा रहा है और पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। कई वार्डों में चेयरमैन बनाने के समय में जिन लोगों ने उनका समर्थन किया था उन लोगों के वार्ड में पैसा दिया जा रहा है। जिन लोगों ने उनका विरोध किया था उन लोगों के वार्ड में पैसा नहीं दिया जा रहा है। मेरा कहना है कि जनता निर्दोष है और जनता को विकास चाहिए। जनता को विकास से महरूम रख करके अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन राजनीति करना चाहते हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसा मतलब कि चेयरमैन और उपाध्यक्ष है दोनों मिलकर जो अपना है मनमानी लोग करते हैं और हमेशा ही लोग गलत करते आए हैं और इस गलत का पर्दाफाश हम लोग मतलब कि बैठक में किए तो वो लोग मतलब कि हम लोग पर यही कहे हैं कि जो हम लोग का इच्छा होगा वही हम करेंगे। हम मनमानी करेंगे और जो हमें जो हमें वोट दिया है हम उसी का द्वारा फंड हम अपना मन से ही बांटेंगे। आप लोग का मिले या नहीं इसलिए हम लोग मतलब कि अपना हक के लिए मतलब इस तरह का बैठक की कार्रवाई शुरू ही हुई थी कि चंद पार्षदों को बेवजह बे मतलब के इशू उठाकर यहाँ पे तुर्ती तुर्ती फेंका गया। कुछ पार्षदों को चोट भी लगी और इसमें कुछ लोग थे जो तोड़ के निकल पार्षद बैठक के दौरान कुर्सियाँ चली। हाँ कुर्सियाँ चली। कितने कुर्सी टूटे हैं? मुझे लगता है कि 10 कुर्सी टूटने टूटा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ली जा रही मैट्रिक की परीक्षा के दौरान जहानाबाद के डीएम मोहम्मद सुहेल ने कई परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया और शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालित रहने पर संतोष जताया।
डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि गणित विषय का प्रश्न पत्र आउट रहने के बाद गलत साबित हुई, प्रश्न पत्र लीक रहने की बात महज अफवाह साबित हुई। जिला मुख्यालय के गौतम बुद्ध इंटर स्कूल और सिद्धार्थ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र का डीएम ने जायजा लिया। कमरे में परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को घूम घूम कर देखा। डीएम ने कहा कि बाजार में हस्तलिखित जो प्रश्न पत्र उपलब्ध था उसका मिलान गणित विषय के प्रश्न पत्र से किया गया और बाजार में उपलब्ध प्रश्न पत्र गलत साबित हुआ। चंद्र मिश्रा, आजकल के लिए। जो यहाँ शिक्षक हैं, जो गार्जियन हैं, जो विद्यार्थी है, उसका सहयोग है और कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है। संतोष है हमको कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है। हाँ हाँ, कल शाम को फ़ोन आया था हमको किसी मोबाइल से, गया कि कोई थे तो मैंने कहा था हरप्रीत कौर को, जो हमारी एसपी हैं, उन्होंने तुरंत भेजा था थाना इंचार्ज को। चार लोगों को पकड़ लाया गया था और हैंड रिटन था वो रखा हुआ था। मैंने डीओ को भी फ़ोन करके कहा था कि आज सुबह वो मिला लिया जाए। सुबह मेरी बात हुई थी, आज उन्होंने मिला लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मिला लिया गया है, वो निराधार है। इसी सब जहानाबाद के डीएम मोहम्मद सुहेल ने धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने और किसानों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया है। डीएम ने यह निर्देश दिया धान अधिप्राप्ति की समीक्षात्मक बैठक में। समरणालय परिसर स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में आयोजित बैठक में राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी और पैक्सों के अध्यक्ष उपस्थित थे। जिला प्रबंधक को डीएम ने पैक्सों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने और किसानों को भुगतान में किसी तरह की कठिनाई नहीं होने का निर्देश दिया। धान अधिप्राप्ति कार्य में उदासीनता बरतने के आरोप में दो क्रय केंद्रों के प्रभारी अखिलेश कुमार और जमींदर मोची के विरुद्ध कार्रवाई करने का डीएम ने निर्देश दिया है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। गर्भपात गंभीर चिंता का विषय है। बालिका भ्रूण हत्या कलंक है जिस पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। ये बातें हुई जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित एक रेस्ट हाउस में। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में पीसी और पीएनडीटी एक्ट विषय पर जिला स्वास्थ्य समिति ने कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें कई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे। कार्यशाला में पीसी और पीएनडीटी एक्ट की लोगों को जानकारी दी गई। यह बताया गया कि भ्रूण हत्या में शामिल डॉक्टर, निजी क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अल्ट्रासाउंड संचालक के द्वारा बालक या बालिका भ्रूण के बारे में मरीज को यदि जानकारी दी जाएगी तो उनका अल्ट्रासाउंड केंद्र बंद कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माने की राशि भी उन्हें अदा करनी होगी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए।